Dabur Chyawanprash Pro Wrestling League powered by Thumbs Up पे अब होने जा रहा है पुरुषों का 97 किलोग्राम वर्ग का मुकाबला। मुकाबले पर हरियाणा हैमर्स की खासी उम्मीदें टिकी हैं। बेशक और होनी भी चाहिए क्योंकि वीरेंद्र मलिक रेफरी है इंडिया से और दो बाउट अब तक हार चुके हैं हरियाणा हैमर्स पंजाब 2-0 से आगे, तो यहां पर ये अगर बाउट हारती हरियाणा तो एक तरह से खेल खत्म। और मौसम खत्री जिनसे बहुत उम्मीदें हैं पंजाब को, और वहीं आंध्र से वैलरी के आने से एक जोश नया जोशो खरोश दिखाई देता हुआ हरियाणा के खेमे में। पिछला मुकाबला उन्होंने जीता था, बहुत संघर्षपूर्ण मुकाबले में वो विजयी रहे थे, लेकिन जो यूरी मायर उनकी कमजोर कड़ी थी उसकी निश्चित तौर पर उन्होंने भरपाई कर दी है। जी हाँ, बहुत बढ़िया रिप्लेसमेंट रहा है हरियाणा हैमर्स के लिए। पिछले मुकाबले में वैलेरी उतरे थे और 2012 ओलंपिक गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं, तो फिलहाल हरियाणा हैमर्स की टीम को खासी उम्मीद है उनसे कि वापसी दिलाएंगे इस मुकाबले में। याद रखिए दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है और पंजाब की टीम पहले ही 2-0 से आगे है पहले दोनों बाउट जीतकर। एक तरह से बड़ा हैंडीकैप हरियाणा हैमर्स के लिए क्योंकि योगेश्वर दत्त आज नहीं उतरे हैं बाउट में या उतरेंगे इस टाइम में, घुटनों में उनकी इंजरी है तो सुधार नहीं हुआ। बहुत कोशिश की उन्होंने रिकवर करें इन टाइम, लेकिन वैसा हुआ नहीं, तो यहाँ पूरा दबाव। और ये मनोज तिवारी काफी खासे मेहमान आए, धर्मेंद्र पंजाब के को ओनर। जी हाँ, दोनों ही टीम्स के लिए खासा सपोर्ट है आज स्टेडियम में, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बहुत से दर्शक इकट्ठा हुए हैं और दोनों ही टीम के लिए मनोज बराबर सपोर्ट है। लेकिन हरियाणा हैमर्स की अगर बात करें तो बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं पीडब्ल्यूएल में उन्होंने। जी हाँ बिल्कुल, शुरू में तो वो विजय रथ पर सवार थे और उसके बाद उनके रथ पर जैसे ही लगाम लगी तो वो चलती लगती ही चली गई और वो दो मुकाबले भी हारे, लेकिन यहाँ बहुत करीब से लड़ रहे हैं वैलरी, यही उनकी सबसे बड़ी खूबी और पकड़ पर उनका बहुत ही नियंत्रण। और इस बीच दर्शक भी हमें ट्वीट कर रहे हैं, फॉर्म इज विद द रॉयल्स, सोनम खत्री लिखते हुए, बट आई हैव अ फीलिंग दैट हैमर्स विल निक दिस वन, क्योंकि जैसा कि हम कह रहे हैं इस मुकाबले में वैलेरी ने जैसा कि अपने पहले मैच में प्रदर्शन किया, बहुत उम्मीदें हरियाणा हैमर्स के फैंस को और मौसम खत्री भी अभी तक उनका कोई जोड़ नहीं ढूंढ पाए। और यकीनन सोनम खत्री कोई मौसम खत्री की रिश्तेदार नहीं है, वरना उन्हें सपोर्ट करती थी। बहरहाल ये बहुत ही अहम बाउट खास करके हरियाणा हैमर्स के लिए, अगर यहाँ पर एक बाउट जीतती है तो फिर मुकाबला बड़ा कड़क हो सकता है। और यहाँ पर येलो जोन पर चलता हुआ मुकाबला और यहाँ बस धकेलने भर की जरूरत है और मौसम खत्री के खिलाफ अंक जा सकता है, खतरा मौसम खत्री के लिए, लेकिन वहीं रुकवाया गया मुकाबले को। और एक अंक का इजाफा क्योंकि धीमा लड़े थे, उसके फलस्वरूप जो गणना थी वो शुरू हो गई थी। जी, और इसी के साथ खाता भी खुला है हरियाणा हैमर्स की तरफ से, और वैलेरी ने एक अंक कमाया उस एक मूव में जब उन्होंने बाहर धकेला मौसम खत्री को। हालांकि अभी भी दोनों ही रेसलर्स कोई भी टेक्निक लगाने में कामयाब नहीं हुए। वैलेरी जो है वो बहुत करीब से लड़ रहे हैं लेकिन यहाँ मौसम खत्री को कोई मौका नहीं दे रहे, इस बार कैंची लगाई खूबसूरती के साथ और यहाँ पर उनके दाव उनके खिलाफ जाता हुआ मौका तड़ा था वैलेरी ने, और अभी दोनों घुटने मैट पर लगाने की जद्दोजहद थी लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए, इस बार धकेलने की कोशिश की और जिस लहजे में उन्होंने गिराया वो काबिले तारीफ, 4 अंक उन्होंने बटोरे। तो बहुत अच्छा डिफेंस वैलेरी का और फिर काउंटर अटैक भी, लेकिन पॉइंट्स मिले अंक मिले वहां पर पंजाब को। यहां पर सखी दाव कहते हैं इसे आयास, जब दोनों पांवों के बीच में विपक्षी के पांव को अपने काबू में किया जाता है और गिराया जाता है क्योंकि ये दाव अंदर से लगाया गया था, इसके फलस्वरूप उन्हें अंक मिले। स्वागत आपका एक बार फिर से डाबर च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग पार्ट बाय थम्सअप में। दिन का तीसरा मुकाबला मेंस 97 किलोग्राम कैटेगरी
आंध्र से वेलेरी हरियाणा हैमर्स की तरफ से उनका सामना करते हुए मौसम खत्री सीडीआर पंजाब रॉयल्स के रेसलर, और पहला राउंड पूरी तरह से मौसम खत्री के नाम रहा। मनोज, उन्होंने सरप्राइज कर दिया वेलेरी को अपने उस मूव के साथ और उसी के साथ वो अंक मिले। मैं तो कहूंगा कि वेलेरी जो है वो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे और उसी का फायदा उठाया था उन्होंने। उन्होंने इस बात का अनुमान ही नहीं लगाया था कि इतने करीब से लड़कर उनके खिलाफ चार अंक जा सकते हैं जो मौसम खत्री ने बटोरे थे, और इस बार अपना मौका ताड़ना चाहते थे, लेकिन कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। वक्त ज्यादा नहीं है वेलेरी के पास। जी हाँ, और खास डिग्निटरीज आज इस मैच को देख रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कृष्ण गोपाल जी और कप्तान सिंह सोलंकी गवर्नर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। बहुत सपोर्ट है आज दोनों ही टीम्स के लिए, काफी सारे दर्शक दोनों ही रेसलर्स के लिए सपोर्ट करते हुए, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से अयास प्रेशर है वेलेरी पर, वापसी करनी है उन्हें। ढाई मिनट तकरीबन समय बचा है वेलेरी के पास, ज्यादा वक्त नहीं है। अगर ये बाउट भी हारते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा डिफेंस किया वेलेरी ने। कुछ रणनीति समझ में नहीं आई मनोज वेलेरी कैसे, जैसे आपने कहा कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए थे, ऐसे लगा कि शायद पहले राउंड में बाउट खत्म करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ उलट फेर होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ कुश्ती जो है वो कागजों के रिकॉर्डों से नहीं जीती जाती, आप कैसा दाव लगाते हैं वो ज्यादा मायने रखता है। कागजों पर निश्चित तौर पर वेलेरी का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, और चिंता के बादल हरियाणा हैमर्स के ओनर्स और दर्शकों के चेहरे पर साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तीसरा मुकाबला चल रहा है। अगर ये भी पंजाब रॉयल्स अपने नाम कर लेंगे तो फिर वापसी करना इस सेमीफाइनल में हरियाणा हैमर्स की टीम के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। किसी दाव को सक्सीड होने नहीं दे रहे मौसम खत्री, और ये अच्छी बड़ी बात है। बहुत कोशिश वेलेरी की, अब यहाँ पर देखना है कि जी हाँ, फ्रंट साल्टो लगाया खूबसूरती के साथ ही, और ये चिपट के आधार पर कुश्ती जीतने में कामयाब रहे। इसे कहते हैं चैंपियन के अंदाज में वापसी करना। पिछड़ने के बाद शानदार तरीके से उन्होंने फ्रंट साल्टो लगाया, और फ्रंट साल्टो करने के साथ ही मौसम खत्री को स्टेडियम की छत दिखाने के लिए मजबूर कर दिया। सनसनीखेज काउंटर अटैक, क्या जबरदस्त मूव किया यहाँ पर वेलेरी ने, और जैसे सब कह रहे थे यहाँ पर कि फेवरेट वही है, कुछ हद तक ऐसे लगा कि आज ये अपसेट हो जाएगा, लेकिन नहीं। विक्ट्री बाय फॉल आंध्र से वेलेरी, और उन्होंने हराया मौसम खत्री को, 5-4 स्कोर लाइन है, लेकिन आखिर में जो दाव खेला उसका कोई तोड़ नहीं था मौसम खत्री के पास। जी हाँ बिल्कुल, एक पहले तो उल्टी पुट्टी का उन्होंने मौका चूका था, और उसके बाद जब उन्हें फ्रंट साल्टो का उनके अपोनेंट को वेलेरी को मौका मिला, पहले हफ्ता भरा था, और उसके बाद फ्रंट साल्टो किया, और फ्रंट साल्टो को उन्होंने निर्णायक बना दिया, और बहुत सहजता के साथ इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया।